हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा कार्य पत्र है 90 कक्षा 4-5 गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता क्या विकसित होने वाली है, अभी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ बना पाना। अब इसमें देखो, अभी निम्नलिखित समस्या को बटन विधि की मदद से हल करना है, अपने को ये बटन विधि की मदद से इसको हल करना है। करना तो गुणा ही है, हम सीधा गुणा करेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, बटन विधि से हल करेंगे तो भी उतना ही आएगा। सीधा तो क्या होगा, अभी शीला ने एक कार्यक्रम हेतु अपनी 25 सहेलियों से 275 रुपये इकट्ठे किए, तो बताइए शीला ने कुल कितने रुपये इकट्ठे कर लिए। सीधा तो यही है कि 275 को आप 25 से गुणा कर दोगे, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में हल किया। पहले 5 से गुणा करोगे, फिर 2 से गुणा करोगे, उनको जोड़ दोगे, ये सीधा हल है। अब ये कह रहा है बटन विधि द्वारा। बटन विधि द्वारा क्या होता है, अभी आप डायग्राम भी बना सकते हो, या फिर देखो किस प्रकार हल करोगे, इस प्रकार आप स्केल की सहायता से बना सकते हो। इसमें कितने गए, 1, 2, 3 अंक है ना, तो यहाँ पर क्रॉस कर दो, यहाँ पर ये 3 रो बना दो। 275 को हम लिख सकते हैं, 275 को लिखेंगे 70 और 5, इस संख्या को इस प्रकार लिखेंगे। आगे कितना है, अभी 25, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी 20 और यहाँ पर लिखेंगे 5। ये बटन विधि द्वारा है। पहले 200 को 20 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, अभी 20 0 20 0 20 2 40, 4000। फिर 200 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, अभी 1000। फिर 70 को 20 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, अभी 1400। 70 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, अभी 350। फिर 5 का 20 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, अभी 100। फिर 5 का 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, अभी 25। अब जोड़ दो, ये 4000 प्लस में 1000 प्लस में 1400 प्लस में 350 प्लस में 100 प्लस में 25, इनको जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा, अभी अपना आंसर आएगा 4000 5000 6000 6400। आप इस प्रकार अलग तरीके से भी रफ कॉपी में जोड़ सकते हो, तो ये 6875 आपका आंसर है आ जाएगा। आगे आप यहाँ रखोगे भी रुपये लिख दोगे। ये है बटन विधि, ये है अपनी साधारण विधि। इसी प्रकार गंगा ने 35-35 मूली के हिसाब से 18 क्यारियाँ लगाई, तो बताइए गंगा ने कुल कितनी मूली लगाई। अब उसी प्रकार आप एक डायग्राम बना लेंगे इस प्रकार, इसमें क्या होता है भी इजी रहता है आपके लिए। यहाँ पर क्रॉस करेंगे, फिर 35 को हम लिख सकते हैं 30 और 5, 18 को लिखेंगे हम 10 और 8। पहले 30 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, अभी 300। 30 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, अभी 240। 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 और 5 को 8 से गुणा करेंगे 40। फिर आप इनको 300 प्लस में 240 प्लस में 50 प्लस में 40 इस प्रकार जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, अभी रफ कॉपी में जोड़ सकते हो आप 0 4 1 5 5 9 5 4 9 4 13, हासिल 1 3 2 5 1 630 मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अभी 630 मूल्य आ जाएगा। ये बटन विधि है। आप ये बगीचे की एक पंक्ति में 65 पेड़ हैं और बगीचे में इसी तरह 28 पंक्ति हैं, तो बताइए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। आप इस प्रकार डायग्राम ज़रूर बना लें ताकि आपके गलती होने का चांस बिल्कुल ही ना रहे। यहाँ पर क्रॉस करोगे, यहाँ पर 65 है इसको 60 और 5 लिखोगे, यहाँ पर 28 है इसको 20 और 8 लिखोगे। इकाई अलग कर दोगे, दाई अलग कर दोगे, इसमें यही होता है सैकड़ा होता है वो अलग कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर सैकड़ा था तो हमने सैकड़ा दाई इकाई के रूप में किया। अब 60 का 20 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, अभी 1200।
60 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 480, 5 का 20 से करेंगे 100 आ जाएगा, और 5 का 8 से करेंगे 40 आ जाएगा। अब इनको लिख किया 1200 प्लस में 480 प्लस में 100 प्लस में 40, इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इनको अगर आपको उत्तर की जांच करनी हो तो आप रफ कॉपी में 65 को 28 से गुणा कर लेंगे डायरेक्ट, ये आंसर और ये इनका आंसर सेम आएगा, ये आप कर सकते हो। अगला है हल कीजिए, दो नंबर प्रश्न है। जमीला के अमरूद के बगीचे में पौधों की 12 कतारें हैं और प्रत्येक कतार में 18 पौधे हैं, तो जमीला के बगीचे में कितने पौधे हैं? यहाँ पर हमको बटन विधि के द्वारा दिया हुआ था, इसमें क्या अभी बताया हुआ नहीं, बटन विधि से करना है दो नंबर प्रश्न को या कैसे करना है, तो आप सीधा ही हल कर देंगे। कितने जमीला नाम की कोई औरत है, उसके अमरूद के बगीचे में कितने पौधे भी 12 कतारें हैं, एक कतार में कितने पौधे भी 18, एक कतार में 18 हैं तो 12 कतार में कितने होंगे भी गुणा कर दो, 18 को 12 से गुणा करना है। इस प्रकार हल करोगे तो दो को पहले 2 से 18 को गुणा करेंगे, ये लिख सकते हो आप 18 गुणा में 2, फिर लिखोगे 18 गुणा में 1, इस प्रकार लिख सकते हो आप। अब 2 8 16 हासिल 1, 2 1 2, 2 और 1 3, फिर यहाँ पर क्या करेंगे भी एक शून्य लगाएंगे, 1 8 8 1 1 1, इनको जोड़ दो, 6 का 6 आ जाएगा, 8 3 11 हासिल 1, एक रे कितना जगह भी 216, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 216 पौधे लगाए, कितने पौधे लगाए भी 216। रानू मुर्गियाँ पालती है, रानू नाम की कोई औरत है, वो मुर्गियाँ पालती हैं, इस महीने अंडे पिछले महीने की तुलना में 4 गुना ज़्यादा प्राप्त हुए, ये पिछली बार अंडे प्राप्त हुए थे उनसे 4 गुना ज़्यादा प्राप्त हुए, तो पिछले महीने कितने अंडे प्राप्त हुए थे अभी 120, तो बताइए इस महीने कितने अंडे प्राप्त हुए, ये पिछले महीने प्राप्त हुए थे 120, अब कितने प्राप्त हुए भी 4 गुणा, तो 4 से गुणा कर दो, 4 0 0 4 2 8 4 1 4, तो अब की बार 480 अंडे प्राप्त हुए। पाँच गुणा होते 5 से गुणा कर देते, 10 गुणा होते 10 से गुणा कर देते। अब अगला प्रश्न है, शांता भाई अपने परिवार के 6 लोगों के साथ भीलवाड़ा से राजसमंद बस से जा रही है, ये 6 व्यक्ति बस में जा रहे हैं, यदि एक व्यक्ति का किराया 110 रुपये है तो बताइए शांताबाई ने कितने रुपये दिए, भी एक व्यक्ति का किराया कितना है भी 110 रुपये है। आप इस प्रकार भी ले सकते हो, एक व्यक्ति का किराया 110 रुपये है तो 6 व्यक्तियों का किराया कितना होगा भी, तो 110 गुणा में 6, 6 0 0 6 1 6 6 1 6 660 रुपये होगा। इस प्रकार आप लिख के भी हल कर सकते हो, ये 110 को 6 से गुणा कर दोगे तो भी आपका आंसर क्या है 660 आएगा। इस प्रकार लिखोगे जल्दी आसान रहेगा, एक व्यक्ति का किराया इतना होता है, 6 व्यक्ति कितना हो 6 से गुणा कर दो, 8 व्यक्ति का पूछा जाए तो 8 से गुणा कर दो। अब हरियाली अमावस्या के मेले में नानू और जया ने दुकान लगाई, दो लड़कियों थी उन्होंने दुकान लगाई, जया की दुकान का सामान लोगों को ज़्यादा पसंद आया और नानू से दुगना बेचा, अब जया है उसका सामान लोगों को पसंद आया उसने दुगना बेच दिया, जया ने 800 रुपये का सामान बेचा तो नानू ने कितने रुपये का सामान बेचा भी, जया ने बेचा 800 रुपये का सामान और नानू से दुगना बेचा, कितना बेचा भी दुगना बेचा। अब जया की दुकान का सामान लोगों को ज़्यादा पसंद आया और नानू से दुगना सामान बेचा, जया ने कुल 800 रुपये का सामान बेचा, नानू ने कितने रुपये का सामान बेचा, अब इसने 800 बेचा इससे दुगना है, वो नानू से दुगना है तो आप क्या करोगे भी 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दोगे, कितना जगह भी 400 रुपये का सामान बेचा नानू ने, कितना बेचा अभी 400 का, अब दुगुना कौन सा है भी जया का है, नानू का 400 का हो गया तो जया का दुगुना अपने आप हो गया 800। अगर यहाँ पर पूछा जाता नानू ने कुल 800 रुपये का सामान बेचा तो जया ने कितने रुपये का सामान बेचा, तब यहाँ पर आप दुगुना कर देते 1600 रुपये हो जाता उसका, कितना होता अभी 1600। ये भाग विधि का सवाल दे दिया, हो सकता है इसकी भाषा में कोई परिवर्तन आ गया हो,
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।